आज जहां देश के अलग अलग हिस्सों से देशवासी यहां पर आए हैं अटल जी को अंतिम विदाई देने के लिए, वहीं जैसा कि हम सब जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सदैव एक लोकप्रिय व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते रहे हैं। इसलिए आज यहां पर उनकी अंतिम यात्रा में अनेक देशों के राजनयिक और नेतागण यहां पर पधारे हैं। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। The pall bearers will now remove the national tricolor. The son of India, Atal Bihari Vajpayee, receiving the highest national send-off. जिस तरह से हवा के बहाव के साथ यहां पर हम देख सकते हैं कि पेड़ पौधे और पत्ते भी किस तरह से विचलित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वे भी अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं इस माध्यम से। द किंग ऑफ भूटान हिज एक्सेलेंसी जिग्मे केसर नामग्याल वांगचुक लेइंग अ रीथ, bidding a final farewell to Atalji, who was a great friend of his father's. The finality of these moments are heartbreaking. Representatives of the SAARC nations are present here today. And now a tribute by the Foreign Affairs Minister of Nepal, Sri P.K. Khayavali. ये हिजरतें हैं जमी ओ जमा से आगे की, जो जा चुका है उसे लौट कर नहीं आना है। ओल्ड फ्रेंड्स,
wishing a final farewell to the departed friend, His Excellency Hamid Karzai, the former President of Afghanistan, who also had a very close relationship with Atal Bihari Vajpayee ji. These are moments that leave most of us at a loss of words. Friends from all across the world, present here to pay their tributes on a personal level and also as representatives of their countries. Shri Lal Krishna Advani, jinka सबसे ज़्यादा समय साथ रहा श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के, लगभग 60 से 65 वर्ष, भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में, उठाने में, संघर्ष के दौर में, यात्राओं में सदैव दोनों साथी रहे, भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिनके लिए विशेष रूप से ये व्यक्तिगत क्षति। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और जैसा कि कल उनके निधन के बाद श्री अमित शाह ने कहा, एक ध्रुव तारा जो आकाश गंगा में समा गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह, अटल जी की अंतिम यात्रा के इस पड़ाव पर अपनी श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करते हैं। Former Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh, paying his last respects to Sri Atal Bihari Vajpayee. They shared a common goal to take India towards new liberalization that in a way changed India forever. Thank you.
अटल जी जिनका कवि मन सदैव संवेदनाओं से भरा रहता था, एक बार जो उनसे मिल लेता था हमेशा के लिए उनका हो गया। उनकी आत्मीयता, उनकी समरसता, उनकी मधुरता, उनकी सादगी सबको बांध लेती थी। और आज भी उनकी अंतिम यात्रा में इस क्षण यदि उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि प्रत्येक भारतवासी उन्हें दे सकता है तो वो ये कि उनके बताए मार्ग पर हम चलें, उनका अनुकरण करें और एक मिसाल कायम करें।